मध्य प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में बारिश के चलते नर्मदा नदी उफान पर चल रही है और इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के भी गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते खरगोन जिले में नर्मदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर रात को बाढ़वा के मुटक्का पुल पर वाहनों का निकलना बंद कर दिया है। पुल के दोनों ओर छोटे बड़े वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। जिला प्रशासन ने नर्मदा नदी में आई बाढ़ को लेकर एहतियातन के तौर पर जिले के बाढ़वा, सनावाद, मंडलेश्वर, महेश्वर और कसरावत के निचले नर्मदा तट के इलाकों में अलर्ट जारी किया है। वहीं SSP ने बताया कि नर्मदा में बाढ़ को लेकर पुल को बंद किया गया है। खंडवा से इंदौर जाने वाले भारी वाहनों को देशगांव से खरगोन होते हुए इंदौर रवाना किया जा रहा है। वहीं छोटे वाहनों को बढ़वा नर्मदा एक्वाडॉक्ट पुल से निकाला जा रहा है। नर्मदा में बाढ़ का पानी कम होता है तो पुनः पुल चालू किया जाएगा, लेकिन अभी सुरक्षा को लेकर बंद कर दिया गया है। अभी जो कंट्रोल रूम हमारा वहाँ डैम का है, वहाँ से सूचना मिली है कि लगभग 12,900 क्यूमिक पानी छोड़ा गया है और उसके परिप्रेक्ष्य में अलर्ट जारी कर दिया है। खंडवा जिले के मानदाता थाना और खरगोन जिले के बढ़वा थाने के द्वारा इसमें नाकाबंदी की गई है। अभी अत्यंत छोटे वाहनों को प्रवेश दिया गया है। भारी वाहन, लोडेड वाहनों को देशगांव से खरगोन होते हुए इंदौर की तरफ डाइवर्ट किया है और इंदौर से भी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने चर्चा की है, तेजाजी नगर से AB रोड की तरफ डाइवर्ट किया गया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अभी वर्तमान में 162.8 मीटर जो है पानी का लेवल है। जैसे ही वो 163 को क्रॉस करेगा तो हम लोग टोटल यातायात बंद कराएंगे और इसमें हम अत्यंत छोटे वाहनों को एक्वाडेक पुल के माध्यम से हम डाइवर्ट करेंगे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी वर्तमान में बरगी डैम और इंदिरा सागर डैम के भी गेट खोले गए हैं और उसके जल प्रवाह के मद्देनज़र यहां पर अलर्ट जारी रहेगा। आगामी समय में यदि जल स्तर कम होता है तो हम नॉर्मल यातायात पुनः चालू कराएंगे। इस संबंध में जो कंट्रोल रूम से और वाटर लेवल की रिपोर्ट है उसके आधार पर कार्रवाई की